हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रूम में ड्यूरिंग एयर कंडीशनिंग हम RH कैसे कंट्रोल करते हैं, उस रूम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। बहुत ही क्रिटिकल मेथड है, बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी होती है RH कंट्रोल करना। HVAC में एयर कंडीशनिंग जो चार पैरामीटर में से एक RH भी होता है, क्योंकि हमें 50 to 60 RH चाहिए होती है एज़ पर स्टैंडर्ड। अगर हम उससे ज़्यादा मिलेगी तो ह्यूमन कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, और उससे कम भी मिलेगी तो कंफर्टेबल फील नहीं होगा। और भी बहुत सारे रूम्स एरिया होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें कहीं पे कम भी RH चाहिए होता है। उन सारे चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, और हम कैसे RH को कंट्रोल करते हैं, कौन सा प्रोसीजर अपनाते हैं, AHU में हम क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक अपने प्रोजेक्ट का एक डिज़ाइन डेटा आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सबसे यही रिकमेंड करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप चाहे एज ए HVAC इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, चाहे आप एज ए कमिश्निंग इंजीनियर हैं, और या आप एक ऑपरेशन मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं या टेक्नीशियन हैं, सबको अगर आप किसी भी रूम में जाते हैं, अगर काम करना जाते हैं या ऑपरेशन करना जाते हैं, तो आप लोगों के पास एक डिज़ाइन डेटा होना चाहिए उस एरिया का, उस प्रोजेक्ट का, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, कि उसका एम्बियंट डिज़ाइन क्या है, समर में क्या एम्बियंट रहेगा, तो हमें इनसाइट क्या देना है। तो जैसे कि मैं आपको ये सिस्टम डिज़ाइन डेटा दिखा रहा हूँ, ये आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके फर्स्ट पेज पे आपको ये मिलेगा। तो सबसे पहले जनरल में आपको बताया जाएगा कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन प्रोपोज HVAC सिस्टम फॉर इंटायर प्रोजेक्ट का जो नाम होगा, एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट का नाम हाइड कर रखा है। फिर उसके बाद आता है बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन प्रपोज्ड, उसमें आपको क्लाइमेट डेटा बताया जाएगा कि समर में जो ड्यूरिंग समर में पीक जो है डेट जो है क्या रहेगा, डेटा क्या रहेगा, उसमें रहेगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। आप देखेंगे जो मेरे प्रोजेक्ट का है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 43.3 डिग्री सेल्सियस है, वेट बल्ब टेम्परेचर 23.9 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20%। मतलब कि आप देख रहे हैं गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होती है। जिस प्रोजेक्ट का मैं ले रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर स्पेस एरिया का, वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% है, और हमें कितना देना होता है रूम में, 50%। उसी तरह से आप देखेंगे मॉनसून का ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, वेट बल्ब टेम्परेचर 28.3 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60%। ये एम्बियंट है, एटमोसफियर का है, कि मॉनसून का जो बिल्कुल पीक मॉनसून आएगा उस टाइम पर ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। वैसे अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो 60 to 80 भी हो जाता है। विंटर में आप देखेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो जाता है 7.2 डिग्री सेल्सियस, वेट बल्ब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी समर में सॉरी विंटर में भी 70% होती है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मेरे प्रोजेक्ट का है, ये न्यू दिल्ली लोकेशन का है, तो ये जो आपको एम्बियंट मिल रहा है ये न्यू दिल्ली का है। और अब मैं इनसाइड कंडीशन की बात करूंगा, जो हमें इनसाइड जो रूम होता है, वैसे ये एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे पेशेंट्स कॉरिडोर्स, क्लीन रूम, वर्क रूम, हॉस्पिटल स्टोर्स, फार्मेसी, ये सारे एरिया का जो है एज पर ASHRAE के स्टैंडर्ड दिया हुआ पैरामीटर आपको रूम में क्या मेंटेन करना है। जैसे आपको पेशेंट कॉरिडोर, मैंने हमेशा ये बताया, आप कहीं भी जाए, किसी भी कॉरिडोर में जाए, आपको वहाँ पर 24 डिग्री प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 1, और RH 50 प्लस माइनस 5 देना होता है। कहीं पे 55 प्लस माइनस 5 होता है, बट ये हॉस्पिटल है। क्लीन वर्क रूम में जाएंगे आपको 23 प्लस माइनस 2, RH आपको 45 देना होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पैरामीटर है ना इनसाइड रूम, ये थ्रू आउट द ईयर है, चाहे वो समर हो, मॉनसून हो, विंटर हो, आप कोई सा भी एम्बियंट हो, बट आपको इनसाइड कंडीशन थ्रू आउट द ईयर 12 के 12 महीने में आपको ये कंडीशन चाहिए। आपके क्लीन रूम में 23 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, RH 45। अब आप कैसे कंट्रोल करेंगे, आपका जब आप समर में आएंगे, समर में 20% RH होगी एम्बियंट की, आपको इनसाइड में 45% देना है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में। मॉनसून में आप आएंगे, मॉनसून में आप देख रहे हैं 60% RH है एम्बियंट की, आपको जो इनसाइड रूम में देना है 45% देना है, आप कैसे करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे आप, वो हम लोग बात करेंगे। इसी तरह से आप विंटर में देख रहे हैं, विंटर में 70% RH होगी, आपको 45% देना है, कहाँ आपको 25% कम करना है, आप कैसे कम करेंगे, क्योंकि आपका आपको यहाँ पे एम्बियंट कम होता है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी होती है RH को कंट्रोल करना।
बहुत कई जगह पे टॉयलेट्स कंट्रोल में नहीं हो पाती है, तो हमें अलग से जो है कहीं पे डिह्यूमिडिफायर लगाना पड़ता है, कहीं पे ह्यूमिडिफायर लगाना पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे इस पे। तो आई होप ये आपको डिजाइन डेटा क्लियर हो गया होगा। हर एक प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट पे ऐसा मिलेगा, समर मॉनसून विंटर का कंडीशन मिलेगा और आपको इनसाइड का कंडीशन मिलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो हम लोग आर एच है मेनली जो हम प्रोजेक्ट पे करते हैं वो तीन तरह से उसको हम कंट्रोल करते हैं। पहला जो होता है हमारा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अभी मैं बताऊंगा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन क्या है, डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है, कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन एंड रीहीटिंग। उसके बाद आता है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक से अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आरएच आप लोगों को पता होगा, जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा आरएच क्या है, किन किन फैक्टर्स पर आरएच डिपेंड करती है, आप कभी भी किसी को ना ही सही से बता पाएंगे और ना ही अपने प्रोजेक्ट में आप सही से कंट्रोल कर पाएंगे। आरएच का मैं बताऊं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब, इसकी डेफिनेशन मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, जो अगर आप इंजीनियरिंग से पढ़ कर आए, आपने बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो मैं एक लेमैन के लैंग्वेज में आपको बताऊं, आरएच का मतलब है कि आप जो है उस एयर में कितना जो है वाटर वेपर मौजूद है। बस आप इतना समझे, वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है। अगर आरएच 50% है, इसका मतलब अभी अगर आप 1 kg एयर लेते हैं तो समझ लीजिए उसमें 50% जो है वाटर वेपर है, 50% वाटर वेपर और हम मिक्स कर सकते हैं। अगर 100% आरएच है, इसका मतलब 100% उसमें वाटर वेपर मिक्स है, अब वाटर वेपर और हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने कभी देखा होगा आपके गर्मियों के समय में, या मार्च आप अप्रैल में देखेंगे, आपके चेहरे पर रैशेज, आपकी जो है स्किन जो है वो रूखी होने लगती है। आप क्या करते हैं, कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गर्मियों के टाइम पे, जैसे मैंने बताया, समर में अभी आपको दिखाया 20% आरएच होती है, इसका मतलब अभी जो है वाटर वेपर उसमें और मिक्स हो सकता है। 20% ही वाटर वेपर, 80% और वाटर वेपर एयर में मिक्स हो जाता है। तो एयर क्या करता है, हमारे जैसी स्किन से टच होती है, वो हमारे स्किन में भी वेपर होता है, हमारी स्किन भी जो है जैसे स्वेट करते हैं तो हमारा निकलता है, पसीना निकलता है, वो भी एक तरह से पानी है। तो वो क्या करता है, उसको जो है वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है, क्योंकि अभी और भी एयर में हम वाटर मिक्स कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए आरएच का मतलब है, जितनी आरएच कम है वाटर वेपर उतना कम है, और जितनी आरएच ज़्यादा है वाटर वेपर उस एयर में उतना ज़्यादा है। जैसे आप मॉनसून में देखेंगे पसीना आपको चलता रहता है, बट वो पसीना क्या है, सूखता नहीं जल्दी। आप पंखा भी चला रहे हैं, फ़ैन भी चला रहे हैं, आप हाथ में हैंड फैन भी लेकर कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है पसीना नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम में एम्बियंट में जो एयर है उसमें वाटर वेपर पहले से ही मिक्स है, तो वो आपके पसीने को क्या वो वेपराइज करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं बताऊं, जो डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, वेपर, वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। तो जो हम लोग कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन है। जैसे हमारी एसी होती है, जैसे हमारा एक नॉर्मल सा एसी है जिसमें सिर्फ कूलिंग कॉइल होता है, तो वो सिर्फ समर में ये चीज़ होती है। समर में हम क्या करते हैं, हमारी जो आरएच होती है वो डिपेंड होती है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर पे। जैसे कि मैं आपको ये पैरामीटर दिखा दूँ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 43.3 डिग्री सेल्सियस है, वेट बल्ब टेम्परेचर 23.9 डिग्री सेल्सियस है। आप गैप देख रहे हैं, करीब 19 डिग्री सेल्सियस का गैप है यहाँ पे, 20 डिग्री सेल्सियस का आप मान लो। तो आप देखें, जितना ज़्यादा ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर में गैप है उतना कम आरएच होती है। तो इसका मतलब है समर में हमको ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम चाहिए, 43 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, और हमें कितना चाहिए कॉरिडोर में 24 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर हम एयर को ठंडा करेंगे तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो जाएगा और एयर जो उसका है ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखेंगे, ये देख लीजिए क्या हो रहा है। जैसे आप ये देखें, यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल में पानी सर्कुलेट हो रहा है। वैसे यहाँ पे तो आप देखेंगे एक हमने पैकेज यूनिट दिखाया है जिसमें कंप्रेसर भी है, कंडेंसर भी है, सेम वही प्रोसीजर है कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, उसके बाद एक्सपेंशन से होता हुआ कूलिंग कॉइल। आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे या तो रेफ्रिजरेंट है या तो यहाँ पे चिल वाटर है। सपोज करते हैं हम चिल वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो हमारी कूलिंग कॉइल ठंडी है। अब क्या होगी, यहाँ से एयर आएगी जो 43 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है एम्बियंट से, जो 43 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, जब एयर यहाँ टच होती है कूलिंग कॉइल से टच होगी, तो
तो क्या होती है, वो अपने सैचुरेशन पॉइंट की तरफ जाती है। जो हम कूलिंग कॉइल का जो डिज़ाइन करते हैं वो उसके सैचुरेशन टेम्परेचर तक उसको डिज़ाइन करते हैं कि वो ठंडी होके अपने वो ट्राई टू अचीव सैचुरेशन पॉइंट। मतलब क्या है, अगर जो पीछे से 20% डिग्री पे 20% पे आर एच आ रही है तो यहाँ पे जैसे ही वो कॉयल से टकराने के बाद वो निकले तो वो 100% आर एच हो जाए। उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही ये सैचुरेशन की तरफ जाएगी तो एयर सैचुरेशन के टेम्परेचर पे जाने पे क्या होता है, मॉइस्चर जो होते हैं कंडेंस होने लगते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एयर को इसके सैचुरेशन टेम्परेचर पे लाते हैं जिससे जो मॉइस्चर होगा वो कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा और एयर अब क्या होगी यहाँ से 12 से 13 डिग्री सेल्सियस और वो उसमें करीब 90% आर एच के आसपास होगा। अब जैसे ये 12 से 13 डिग्री सेल्सियस की एयर निकलकर रूम में जाएगी, अब वो क्या होगी, रूम की हीट वहाँ पे है तो वहाँ पे क्या होगी, एयर गर्म होगी। 12 से आएगी यहाँ पे 24 डिग्री के आसपास आएगी। जैसे ही एयर गर्म होगी, आपको पता है किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसका जो है उसमें जो सैचुरेशन उसका जो होता है वो और बढ़ता चला जाता है, उसमें हम और भी चीज़ ऐड करते चले जाते हैं। तो इसी तरह सेम इस केस में भी होता है, जैसे एयर यहाँ पे आकर एक्सपेंड करती है, जैसे आप देखेंगे रूम में जाएगी ये 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगी तो क्या होगा, इसमें पहले से 90% मॉइस्चर है, ये जैसे हीट होगी तो ये 55-60 के आसपास चली जाएगी जिससे हमें जो रूम की आर एच 65-55 मिलेगी। कॉरिडोर के लिए मैं बता रहा हूँ, हमें जब कॉरिडोर में और या गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, बस आप कूलिंग कॉयल लगा दें। कूलिंग कॉयल का काम है ये कूलिंग करेगा और डीह्यूमिडिफिकेशन करेगा। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब आप ये देख रहे हैं कंडेंसेशन जो हो रहा है पानी, ये डीह्यूमिडिफिकेशन है, एयर से पानी निकल रहा है मतलब ह्यूमिड हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन। अब क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन के बाद यहाँ पे एयर जाके और इस तरह से वो आर एच मेंटेन करती है। तो अब इसके बाद सेम ऐसे ही एयर यहाँ से सर्कुलेट होगी, फिर वो आएगी, फिर यहाँ पे वो सैचुरेशन आएगी, 100% आर एच की तरफ आने की कोशिश करेगी तो आर एच 100% नहीं होगी, वो 80% पे आकर और फिर से यहाँ पर एक्सपेंड होगी और वो 50-55% के आर एच के आसपास आर एच जो है वो बनी रहेगी। ये तो समर का था, क्योंकि समर में क्या होता है, हम जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, हम कोशिश करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर को जो 43 है उसको कम लाएं। जैसे ही हम कम करेंगे, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कम होगा तो हमारी आरएच जो है वो कम हो जाए, वो जो है बढ़ जाएगी। हम जैसे भी हमने देखा 20 का डिफरेंस था तो 20% आरएच थी, तो जैसे ही वो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा आर एच बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसका जो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच में मेंटेन करने के लिए। तो ये कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन था। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो हमें मॉनसून में फेस करनी पड़ती है। मॉनसून के कंडीशन में जैसे मैंने आपको दिखाया, आप देखेंगे मॉनसून में ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, वेट बल्ब टेम्परेचर 28.3 डिग्री सेल्सियस है। अब आप ये देखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस तो एम्बिएंट का है, हमें कितना देना है कॉरिडोर में या क्लीन रूम में, आप देखेंगे कितना देना है, 23 डिग्री देना है। तो आप देखेंगे 35 और 23 मतलब 12 डिग्री सेल्सियस हमें एयर को ठंडी करनी है, बट आप देखेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर इसका 28.3 है, मतलब इसमें हमें वेट बल्ब टेम्परेचर को भी नीचे लाना है। तो और वेट बल्ब टेम्परेचर को भी नीचे लाना है ताकि जो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा जो है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आए और हमारी आर एच मेंटेन हो। बट क्या होता है, जैसे ही हम एयर को ठंडी करते हैं, एयर का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, जो मॉनसून के केस में अक्सर होता है, टेम्परेचर तो आपका 23 से 22 डिग्री चला जाएगा, बट क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर डाउन नहीं होता, इसलिए आर एच जो हमारी है 60-70% ही रहती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में आप देखेंगे हम क्या करते हैं, एयर को हीट करते हैं। हीट क्यों करते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसी हमारी एयर आती है 35 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, आप ये देखेंगे चिल वाटर सप्लाई है और चिल वाटर रिटर्न है। आप देखेंगे मॉनसून के कंडीशन में हम क्या करते हैं, दो कॉयल लगाते हैं, एक तो कूलिंग कॉयल होती है और एक हीटिंग कॉयल होती है। ये हीटिंग कॉयल हॉट वाटर का सप्लाई है, हीटिंग कॉयल में हॉट वाटर आता है और ये हॉट वाटर रिटर्न है। तो अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट बताऊंगा कि हम हॉट वाटर जो है क्यों लगाते हैं, कॉयल क्यों लगाते हैं या हीटर क्यों लगाते हैं। यहाँ से हमारी 35 डिग्री सेल्सियस पे एयर आती है, यहाँ से वो ठंडी हो जाएगी 12 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी और वो 100% सैचुरेशन भी हो जाती है, क्योंकि मॉनसून के केस में वो सैचुरेशन लेवल को क्रॉस कर जाती है।
तो इसलिए क्या होता है, ये हवा तो ठंडी हो जाती है बट वेट बल्ब जो उसका टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा कम नहीं हो पाता है। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहेगा जिससे उसकी आरएच और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, उसको बढ़ाते हैं एयर का, जिससे कि जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस जो है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट या 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का बना रहे, जिससे कि हमें 50% आरएच मिल पाए। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, कूलिंग कॉइल से एयर को ठंडा कर देते हैं 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और फिर इसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हीट करके और रूम में भेजते हैं, जिससे रूम का टेम्परेचर भी 23 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और आरएच भी मेंटेन होती है। अभी मैं इसको आगे दिखाता हूँ एक्चुअली होता कैसे है। ये आप देखेंगे सेम क्या होता है कि कहीं कहीं पे जहाँ पे हम हीटिंग कॉइल नहीं लगाते हैं कूलिंग कॉइल के बाद, तो वहाँ पे हम ब्लोअर के बाद जो है प्लीनम में हीटर लगा देते हैं, स्ट्रिप हीटर आता है इसको हम इलेक्ट्रिक हीटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर से हम उसको हीट करते हैं। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट उसका होता है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि डीह्यूमिडिफिकेशन और रीहीटिंग क्या होती है। सबसे पहले आप देखेंगे ये 80 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर रिटर्न एयर आएगी आपकी, ये कूलिंग कॉइल है, ये क्या करेगी उसको ठंडा करेगी, क्योंकि पहले ही से एम्बियंट भी आपका ठंडा है, रूम भी आपका ठंडा रहता है, तो वो उसको 52 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे या 12 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेगी, जो भी क्योंकि सेचुरेशन टेम्परेचर जैसे ही आ जाएगा कंडेंसेशन होगा और मॉइस्चर इसके बाहर निकल जाएंगे। बरसात के दिनों में मानसून के टाइम पे कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा निकलता है होता है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होते हैं एयर में। बट अब ये देखेंगे इसकी आरएच 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अब होता क्या है कि रूम तो एम्बियंट तो हमारा पहले से ठंडा है और रूम भी ठंडा होता है, तो इसलिए ये जब एयर जाती है तो क्या होता है, रूम का टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब, बट वेट बल्ब टेम्परेचर भी नहीं डाउन होता है, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के आसपास रहता है, जिससे रूम की जो ह्यूमिडिटी होती है वो 60% 70% होती है। तो हम क्या करते हैं, उससे रूम का हमें रूम का टेम्परेचर चाहिए 23 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम क्या करते हैं, हमारा इस एयर को जो 12 डिग्री सेल्सियस पर जा रहा था इसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, जिससे इसका सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर मॉइस्चर के ऐड करने पे बढ़ता है ना कि उसको हीट करने पे। तो हम इसको सिर्फ सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं। सेंसिबल हीटिंग का मतलब हम सिर्फ इसमें हीट प्रोवाइड करा रहे हैं ना कि मॉइस्चर। जैसे हम इसको सेंसिबल हीटिंग करेंगे इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा और ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, और इस तरह से हमारे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और गर्म मानसून के समय में आरएच आपकी 55-45 जो भी है वो अचीव हो जाएगी। तो ये तो था डीह्यूमिडिफिकेशन एंड रीहीटिंग। अब एक चीज़ आती है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हम कम करते हैं, ये हम करते हैं सर्दियों के दिनों में, हम ये विंटर में करते हैं। विंटर में हम क्यों करते हैं ऐसा, इसके लिए आपको पता होगा हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है। आप ये देखेंगे यहाँ पे विंटर में आप देखेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर 7.2 डिग्री सेल्सियस है, वेट बल्ब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना चाहिए, हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर चाहिए रूम में 23 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लीन रूम में 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो हम क्या करेंगे विंटर के समय में, विंटर में हम इसको एयर को करेंगे हीट। तो हम जैसे ही एयर को हीट करेंगे तो उसका क्या है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ये 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बट इसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो 23 पहुंच जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर समहाउ 7 से 8 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा आप से कर लीजिए। तो क्या हुआ, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 15 डिग्री का हो गया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, ये 70% से बिल्कुल ये कम हो जाएगी, ये 20-25 के आसपास आ जाएगी। तो 20-25% आरएच भी जो है वो हमारे लिए सेफ नहीं है, वो अनसेफ है। आप जाएंगे क्लीन रूम में जाएंगे, हॉस्पिटल स्टोर्स में जाएंगे, वो दवा वहाँ पे होती है वो सेफ नहीं है, वहाँ पे 45% चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मॉइस्चर को ऐड करेंगे विंटर के केस में। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो एएचयू हम डिज़ाइन करते हैं, एएचयू में हम कूलिंग कॉइल भी देते हैं, हीटिंग कॉइल भी देते हैं, और अब हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिफायर लगा देते हैं उसमें। ह्यूमिडिफायर मतलब वो ह्यूमिडिटी को ऐड करेगा, मतलब कि वाटर वेपर को एयर में ऐड करेगा। अब वो कैसे करेगा मैं बताता हूँ। एक जनरली हॉस्पिटल में एक एएचयू जो डिज़ाइन होता है उसमें कूलिंग कॉइल होता है। अब सर्दियों के समय में कूलिंग कॉइल का तो यूज़ नहीं होगा, मानसून के समय में हीटिंग कॉइल का यूज़ होता है, सर्दियों में भी हीटिंग कॉइल यूज़ होता है,
अब आप देखेंगे आपकी एयर आती है, एयर आएगी हीटिंग कॉइल से जाएगी जो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पे आएगी एम्बियंट से, क्योंकि सर्दी का समय है, सर बहुत ठंडी एयर होती है। अब ये गर्म होकर आपकी 30 से 35 डिग्री के आसपास ये गर्म करेगा, इसमें 40 से 45 डिग्री हॉट एयर आ रही है, हॉट वाटर आता है। तो जब ये 30 से 35 डिग्री जब यहाँ पे एयर को हम गर्म करेंगे तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो 30-35 चला गया, बट वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? वेट बल्ब टेम्परेचर तब बढ़ता है जब हम इसमें मॉइस्चर को ऐड करते हैं। हमने मॉइस्चर तो ऐड नहीं किया, हमने इसकी सेंसिबल हीटिंग की, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिफायर लगाते हैं। ह्यूमिडिफायर मतलब या तो ये वाटर स्प्रे करेगा यहाँ पे, या हम इसमें स्टीम को इंजेक्ट कराएंगे, जैसे पैन ह्यूमिडिफायर होता है। उस पैन ह्यूमिडिफायर में क्या होता है, स्टीम इंजेक्ट होती है। और जैसे आपने एयर वॉशर देखा होगा, एयर वॉशर में हम नोजल के थ्रू पंप चलाते हैं और पंप जो है एयर को स्प्रे करता, वाटर को स्प्रे करता है, और फिर वो वाटर जो मिक्स हो जाती है। जैसा कि आप कूलर में देखेंगे, कूलर में हम क्या करते हैं, एक हमारा घास लेट होता है जिसको हम घास बोलते रहते हैं, उसमें हम वाटर को सर्कुलेट कराते हैं। तो वो जो एयर में जो है ना, गर्मियों के समय में क्या होता है, 20% आरएच होती है, वो उसमें मिलकर हमें कंफर्टेबल फील कराता है, तो हम बोलते हैं यार कूलर तो बहुत अच्छा है। बट कूलर सर्दियों के मॉनसून में तो खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, क्योंकि उसमें तो और मॉइस्चर ऐड होता रहता है, मॉनसून के समय में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है, इसमें हम वाटर सर्कुलेट कराकर स्प्रे करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद एयर ये ब्लोअर आगे भेज देता है और जिससे ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है। ये देखिए ये एचयू है, आप देखेंगे ये एक पंप है, ये देखिए नोजल है, ये टैपिंग ली हुई है ये सब में, और ये नोजल से वाटर स्प्रे हो रहा है। ये एचयू में कूलिंग हीटिंग कॉइल के बाद लगाते हैं, यहाँ पे कूलिंग कॉइल रहेगी, यहाँ पे हीटिंग कॉइल रहेगी, और यहाँ पे आपका जो है ह्यूमिडिफायर है। आप ये देख रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस 15% आरएच है, बट निकलने के बाद आप क्या देख रहे हैं, 50% आरएच हो रहा है, मतलब मॉइस्चर ऐड हो गया इसमें। तो वैसे ही आप देखेंगे, ये मैंने कुछ आपको एक्चुअल पिक दिखाई है मेरी साइट की ही है ये। आप ये देखें, ये आपको कॉइल दिख रही है, हीटिंग कॉइल है, और ये जो है वाटर इंजेक्ट हो रहा है, वाटर स्प्रे इंजेक्ट हो रहा है, जिससे वाटर स्प्रे क्या होता है, एयर में मिक्स हो जाता है, और एयर में मिक्स होकर फिर वो रूम में जाएगा तो हमें कंफर्टेबल फील होगा। इसी तरह से ये पैन ह्यूमिडिफायर आपको देख रहे हैं, पैन ह्यूमिडिफायर यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टीम इंजेक्ट कर रहा है, स्टीम बहुत ही जो ये पैन ह्यूमिडिफायर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि स्टीम बहुत जल्दी एयर में मिक्स होती है, तो ये बहुत ही प्रिसाइज होता है, बट ये कॉस्टली होता है। तो हम इस तरह से सर्दियों के समय में हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करके जो है हम कंट्रोल करते हैं अपने जो है रूम की आरएच। आपने देखा होगा हम अलग से डीह्यूमिडिफायर लेक होता है, अलग से आपने रूम में मॉनसून के समय में डीह्यूमिडिफायर छोटा सा लगाते हैं। वो डीह्यूमिडिफायर क्या होता है, वो एक तरह का जो है उसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल चल रही होती है, वो उसमें जो हमारा कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल पे जाकर जब एयर टच होती है तो वहाँ पे मॉइस्चर कंडेंस होता है, और आप आधा एक घंटे में देखेंगे ट्रे में बहुत सारा पानी भर जाता है, तो वो वेपर कंप्रेशन साइकिल चल रही होती है उसमें। तो डीह्यूमिडिफायर जो है एक तरह से जो हमारी एसी होती है वो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन करती है, और हम अगर हीटिंग कॉइल लगा दिया तो वो कूलिंग, उसके बाद डीह्यूमिडिफिकेशन एंड रीहीटिंग जो मॉनसून में हम करते हैं, और विंटर में हम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से हम आरएच को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। तो वीडियो पसंद आई, आप वीडियो को लाइक करें, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन करें, और अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है तो आप ज़रूर क्वेश्चन कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमारा मोरल जो है हमेशा बूस्टअप रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें, और वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी।